गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. कोई बोल नहीं रहा है. एम आई ऑडिबल और दो? एम आई ऑडिबल? यस सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ओके, गुड. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू फर्दर. आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से जो लास्ट टाइम कर रहे थे हम लोग. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स मैंने आपको बताया था. थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. इनफैक्ट स्ट्रेन आर ऑफ फोर टाइप: टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम और बल्क, शियर और टेंजेंशियल, लेटरल. थोड़े थोड़े फॉर्मूले में पूछता हूँ वेदर किसको याद है कि नहीं. और भार्गेश, भार्गेश यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बोल. भार्गेश यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बोल. भार्गेश, भार्गेश यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला. यस सर. बोल सर. यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एन. एफ कौन सा एल? सर बिग एल, कैपिटल एल. हाँ, अपॉन ए एल. ए कौन सा एल? सर कैपिटल एल. वापस कैपिटल एल, ऊपर भी और नीचे भी. तो एल एल विल गेट कैंसिल ना. तो स्मॉल एल. तो ऐसे कैसे बात कर रहा है? एंड टेल मी इन टर्म्स ऑफ मास, मास फॉर्मूला बोल. अगर मास का रूप में लाना है तो एफ के बदले व्हाट इज द राइट, और एरिया के बदले रेडियस के रूप में लिखना है. व्हाट इज द फॉर्मूला? मास. अरे तुम लोग तैयार रहो. हां, आई डोंट लाइक दिस. जीतू फॉर्मूला बोल इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस. इन फॉर्मूला को चेंज करके क्या लिखो जीतू? So, हाँ. So, MGL upon pi r square L, छोटा वाला. Which L? So, small L. Change in length. What is the difference between small L and capital L? वो बता. So, small L sir वो जो जो सर वो change होती है ना shape में वो सर रहती है. तो small L और सर जो original length रहती है ना वो सर रहते हैं बढ़िया. That is right. That is right. Very good answer. K. के क्या था? कोलिन कुरेशी, व्हाट वाज के? वी टी पी अपॉन डीवी. दैट इज लवली आंसर. बहुत अच्छा आंसर है कोलिन. एंड के का नाम क्या था? के को बोलते क्या थे? के हमने किसके लिए रखा था नाम? जैसे वाई यंग्स मॉडुलस, तो के क्या था? बल्क मॉडुलस. दैट्स लवली, दैट्स लवली आंसर. विधि, विधि तुम थी क्या लास्ट टाइम की? नहीं थी विधि? नो सर, आई हैवंट सीन द रिकॉर्डेड लेक्चर येट. ओके, देन मुझे हुसैन. इसका रेसिप्रोकल था क्या कुछ के का? हुसैन दागीना वाला? यस सर. व्हाट वाज दैट? वन अपॉन के. सो वन अपॉन के माइनस वन अपॉन वी इज इक्वल्स टू डीवी अपॉन डीवी डीपी. क्या क्या माइनस वन अपॉन के माइनस क्या बोल रहे हैं? सर वन अपॉन के इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी पी. और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट क्या होती है? सर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन. दैट्स लवली आंसर. बहुत अच्छा आंसर हुसैन, आई एम इम्प्रेस्ड. ओके, इसके बाद तीसरा मॉडुलस था ना अफीफ, उसका नाम क्या था? अफीफ. तीसरा मॉडुलस का नाम क्या था? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस. तीसरा क्या था सर? रिजिडिटी. पूरा नाम बोल सर. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. और किसे डिनोट कर देते उसको सर? सर सम साइन. व्हाट इज नोन एज व्हाट? सर आई नो द साइन फॉर द नेम. बीटा, 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 टीटीए. उसका फॉर्मूला क्या था सर? Sir, it was F upon A theta. That's right. Lovely answer. बहुत अच्छा answer है. All right. इतना हम लोगों ने किया था. All right. कोनन हुक्स लॉ बोल.
बोलन हुक्स ला बोल बोलन हुक्स ला का स्टेटमेंट बोल मास सर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट दैट्स राइट लवली आंसर वेरी गुड मास ये कोनन को क्या हो गया कोनन कहां गायब हो गई थी ओके कोनन यू शुड आंसर हां ओके इतना होने के बाद अब हम लोगों को एक है ना और रेशियो लिखना है विच इज ना ऐसा क्वेश्चन लिख देना ना डिफाइन डिफाइन पॉइजन्स रेशियो ब्रैकेट में लिखो सिंबल सिग्मा ब्रैकेट में लिखो सिग्मा अच्छा अभी है ना इसका डेफिनेशन कौन बताएगा मेरे को ये देखना है ये मैंने सिग्मा का ये लिखा और इसका डेफिनेशन अब ये फॉर्मूला देख के टेबल देख के कोई ऐसा बोल सकता है कि सर द डेफिनेशन मस्ट बी दिस ऐसा कौन है क्लास के अंदर माई का लाल या माई की लाली कौन बताएगा लैटरल स्ट्रेस अपॉन लैटरल स्ट्रेन क्या क्या लैटरल स्ट्रेस अपॉन लैटरल स्ट्रेन दोनों लैटरल ऊपर भी लैटरल नीचे भी लैटरल टेंजाइल स्ट्रेन Now it is right. Who is this? किसकी आवाज थी है? रोशनी रोशनी वेरी गुड आंसर बहुत अच्छा आंसर है रोशनी पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ये क्या था लैटरल स्ट्रेन टू द इसको या तो टेंसाइल बोलो या लॉन्जिट्यूडिनल बोलो टू द लॉन्जिट्यूडिनल एल से करना है तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट कितना इजी आंसर है बहुत अच्छा आंसर है रोशनी आई एम हैप्पी विद यू सो पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन ये देखो ऊपर बी बाय बी और डी बाय डी इज लैटरल स्ट्रेन और एल बाय एल इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन तो लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज दैट क्लियर टू एवरीवन सर कैन यू रिपीट वंस मोर पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ lateral strain to the longitudinal strain within elastic limit वापस रिपीट करो इसको समझ गया understood therefore sigma can be written as b to capital l upon b to small l or d to capital l upon capital d to what is the difference between chota b and bada b who will tell me om mistri to bolta hi nahi hai mere khayal se kuch isko karna padega ilaj chota b aur bada b mein difference kya hai Change in dimensional and original dimension. No. Change in chota b, change in width upon original width. D and change in depth upon original depth. These width and depth are lateral dimensions. ऐसे बोलने का proper अच्छी तरह से. तो अभी चलो लिखना चालू करो. Definition का answer लिखो. It is defined as ratio of. lateral strain it is defined as the ratio of lateral strain to longitudinal strain to longitudinal strain within elastic limit within elastic limit All right, फिर क्वेश्चन लिखो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पॉइजन्स रेशियो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पॉइजन्स रेशियो ये पॉइजन है कि पूसन है मालूम नहीं हमने अपने को POI SSSON लिखने का एक्सप्रेशन फॉर पॉइजन्स रेशियो एंड आलोक गुप्ता आर यू देयर जस्ट सी यस नो यस सर आलोक एक बात ध्यान रखना बेटा ये चैप्टर है ना अभी जस्ट दो लेक्चर पुराना है
तो मेरा YouTube पे खंडेलवाल क्लासेस टाइप करोगे ना, सुनो yes, sir. तो दो लेक्चर के पहले का वीडियो आराम से पॉज कर करके स्लोली स्लोली देखते जाओ, लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ. हाँ, और yes, sir. उसके बाद कुछ डाउट डिफिकल्टी मेरे को फोन करो या पर्सनली आ जाओ क्लासेस में मेरे से बात करके. YouTube पे क्या टाइप करोगे? खंडेलवाल सर क्लासेस. खंडेलवाल क्लासेस. यस सर, वही खंडेलवाल क्लास. हाँ, चलो एक्सप्रेशन फॉर पॉइजन रेशियो में लिखो. कंसीडर अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ लेंथ कैपिटल एल. कैपिटल मत लिख देना, कॉमा विड्थ कैपिटल बी एंड डेप्थ कैपिटल डी सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स कैपिटल एफ. एक्सिस से पास होने वाले को एक्सियल बोलते हैं. एन एक्सियल फोर्स कैपिटल एफ, या फोर्स लिखोगे तो भी चलेगा. लेट छोटा एल बी क्या लिखाऊंगा? छोटा एल बी क्या बोलो तुम लोग बताओ, क्या लिखाऊंगा? छोटा एल मस्ट बी व्हाट? So change in, that is right. Let chota l be change in length, and chota b and chota d be change in width and depth. Chota b chota d be change in width and depth. Therefore, idhar likho. Therefore, longitudinal or tensile strain equal to L by L and lateral strain equal to chota b by mota b or chota d by mota d. By definition, sigma equal to lateral strain upon longitudinal strain. And therefore, ये formula यहाँ पे copy कर लो. ये फॉर्मूला लर्न बैक करने के पहले ये लर्न करोगे ना तो मैं ज्यादा प्रीफर करूंगा, क्योंकि ये जरूरत नहीं है. लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बी बाय बी अपॉन एल बाय एल, ऐसे याद रखोगे तो भी चलेगा. बेटर विल बी दैट. और विधि आर यू देयर? यस सर. अभी आपको एक काम करना है विधि, कंपल्सरी आज आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के सारे लेक्चर देखने हैं. Alright, yes. एक lecture और compulsory tomorrow you will call me somewhere in afternoon around 12 o'clock या जब भी तुम free होगी मेरे को बोलना sir question पूछो आप, तो I will ask you question on phone. आलोक तुम्हारे लिए भी. आलोक are you there बेटा? Yes sir. तो सुनो विधि and आलोक, what you do is you go through. मैं पहले तुम लोग क्वेश्चन पूछना, आई विल गिव यू चांस फॉर यू टू आस्क मी क्वेश्चन ऑफ व्हाट एवर यू हैव सीन, उसमें क्या क्या डिफिकल्टी डाउट्स आई, उसके बाद में आई विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन. मैं बोलूंगा फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस बोल, बल्क मॉडुलस बोल, यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन बोल, इलास्टिक लिमिट क्या है बोल, हुक्स लॉ बोल. अगर आप स्लोली स्लोली वीडियो देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा. इज दैट क्लियर? यस सर. ओके. यस सर. हां ओके. कंपलसरी कल तक चाहिए मेरे को ये काम.
यू कांट डिले इट. मैकेनिकल चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. हाँ ये कॉपी किया आपने सभी ने? कॉपी किया आप सभी ने बच्चे लोग? बच्चों यस सर नो पूरा दिल दिमाग स्टडीज में डाल दो एंड सक्सेस विल बी विथ यू. बस खाली एक ही ध्यान में रखो, एक का लक्ष्य ओम मिस्त्री ने तो बहुत स्टाइल चली है एकदम. ओम मिस्त्री ने तो बोलना बंद कर दिया, बोलता है मेरा माइक खराब है करके गायब. एंड आई डोंट लाइक दिस आइडिया. ओम मिस्त्री खाली सुन तो रहे ना मेरा लेक्चर, क्योंकि मेरे को आज फोन कर लेक्चर के बाद, मेरे को देखने का क्या प्रॉब्लम है तेरे को. ओम मिस्त्री फोन कर रहे हैं आपको, ध्यान रखना भूलना नहीं मेरे को, नहीं तो मैं घर पे आने वाला हूँ आज. ओके सर. अरे वाह आवाज आई, आती है आवाज, मतलब हाँ क्वेश्चन पूछते तो आवाज बंद. चलो मिटाओ इसको. Yes. अच्छा हमें ना एक, मेरे को दिमाग में एक सवाल आया यार, कौन बताएगा मेरे को? ओनली द बेस्ट स्टूडेंट विल एनालाइज दिस. मेरे को देखना है हु इज द बेस्ट इन द क्लास. मैंने एक बार सोचा वाटर का यंग्स मॉडुलस क्या होगा, वाटर का यंग्स मॉडुलस की वैल्यू समझो निकालनी है वाटर की, और हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन गैस का यंग्स मॉडुलस निकालना है. ऑलराइट, तो कोई बता सकता है वाटर का हाइड्रोजन, वाटर यानी कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस का मुझे यंग्स मॉडुलस चाहिए, तो हम क्वेश्चन करें? एनीबडी इन द क्लास कैन गिव मी सम आइडिया? Anybody in the class can give me some idea? Bola, bola. Bolo, bolo. Anyone who can give me some idea? Main bataun? Answer is kya? Iska answer is zero. Anybody can tell me why it is zero? Chahe gas ho, chahe koi bhi solid ho. Uska Young's modulus, koi bhi liquid ho. Uska Young's modulus ka answer is zero. Anybody? Who can tell me the reason for that? Sir, because the length. That's sir, lovely answer. I really appreciate you. I really appreciate. One only thing is you don't get marks. That worries me. देखो एक बात ध्यान रखो. Depends on length. This depends on shape. ये length पे और ये shape पे. ऐसा बोलते हैं water 5 meter लंबा पानी लेके आया. ऐसा कभी होता है? 5 meter लंबा पानी. या छ फीट हाइट वाली हाइड्रोजन गैस लेके आया, ऐसा कभी सुना? नहीं सुना. तो रिमेम्बर वन थिंग, लिक्विड्स एंड गैसेस डू नॉट पजेस लेंथ एंड शेप. ऐसा देखा कभी कि हाइड्रोजन इज इन रेक्टेंगुलर शेप, पानी को है ना मैंने सर्कुलर शेप में रखा, ऐसा हो ही नहीं सकता है. देयर इज पानी कैन नॉट बी इन एयर. सॉलिड्स पजेस ऑल थ्री, लेंथ भी पजेस करते हैं, वॉल्यूम भी पजेस करते हैं और शेप भी पजेस करते हैं. इसलिए सॉलिड्स पजेस ऑल थ्री मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. लिक्विड्स एंड गैसेस डू नॉट हैव लेंथ, दे डू नॉट हैव शेप, देयरफॉर दे पजेस ओनली व्हिच मॉड्यूलस? एनीवन? एनीवन? दे कैन पजेस बल्क मॉड्यूलस. उनके पास एक का आइटम होता है. व्हाट इज दैट आइटम? लिक्विड्स और गैस के पास कौन सा आइटम होता है? वॉल्यूम. That's right. भाई ना मैं टीचिंग ऐसे करना चाहता हूँ कि जहाँ पे आप लोग बोले मैं भी बोलूँ, तो क्या है थोड़ा मजा आता है. खाली मैं ऐसा ट्रम्पेट बजाता जाऊँ, ऐसा लिखो लिक्विड एंड गैसेस दिस दिस दिस, तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा. इसलिए मेरे साथ तुम लोग बात करते रहो, मेरे को क्वेश्चन पूछते रहो, मैं क्वेश्चन पूछता रहूंगा. आई विल नेवर फायर यू फॉर रॉन्ग आंसर. कीप आंसरिंग, ट्राई टू बी इन लेक्चर बाय पार्टिसिपेटिंग. तो इसलिए हम लोगों को क्या लाइन मिली, एक इंपॉर्टेंट लाइन. Since solid possesses all three, kya? Length, volume and shape. Therefore, solids possess all three modulus of elasticity. Liquids and gases do not possess length and shape. They possess only kya? Volume. Volume. Therefore, they possess only which modulus?
बल्क मॉड्यूलस दैट्स राइट तो एक नोट लिखो एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो बहुत अच्छा आई एम रियली हैप्पी ओम ने आज बोल के बता दिया कि वो बोल सकते हैं ओके लिखो ऐसे लिखो नोट एन ओ टी ई नोट लिखो ओनली सॉलिड्स पजेस लेंथ वॉल्यूम एंड शेप length, volume, and shape. And therefore, solids have all three modulus of elasticity. Liquids and gases फुल स्टॉप के बाद लिखना लिक्विड्स एंड गैसेस पजेस ओनली लिक्विड्स एंड गैसेस पजेस ओनली क्या लिखूं सो ओनली वॉल्यूम दैट इज राइट पजेस ओनली वॉल्यूम देयरफॉर दे पजेस ओनली बल्क मॉड्यूलस दे पजेस ओनली बल्क मॉड्यूलस सर सो गैस हैव अ वॉल्यूम सो दे हैव टू बी इन अ कंटेनर टू हैव That's right. Liquids also have volume. Your container में रहेगा ना ऐसे क्या हवा में वॉटर ला सकते हैं कि मैं देख 5 लीटर हवा में पानी पड़ा हुआ है You have to take in a container only ना ओ भाई Afif, have you seen liquid floating in air without any container? Similarly, gas also. Gas को भी container में डालना पड़ेगा तो उसके पास volume होगी Sir, can you repeat the last part? अरे यार किसके ओम की आवाज है ओम तुम्हारी आवाज है yes, sir. तो अभी बोला yes, चलो रखो नहीं तो मैं आके घर पे आके मारने वाला हूँ ऐसे बोलना क्वेश्चन पूछने पे भी बोलो अच्छा लास्ट पार्ट क्या था मैं भूल गया मैंने अभी अभी बोला क्या था अफीफ जरा पढ़ के सुनाओ अफीफ पढ़ के सुनाओ लास्ट लाइन क्या थी sir, I also need it, sir. Sir, I asked you the question. Yes, किसने लिखा है? Anyone who has written? Sir, I wrote. जरा read करना बेटा. So liquids and gas possesses only volume, therefore they possess bulk modulus. They possess only they bulk modulus. Modulus. They possess. इतना जरा धीरे-धीरे बोल जरा. धीरे-धीरे बोल बेटा. So liquid and gases possess only volume, therefore they possess... Liquids and gases possess only volume. Therefore, liquids and gases have only... Bulk modulus. Only bulk. Likha? Achha, abhi main ek homework de raha hun. I want to see the intelligence of you. Main isme answer nahi bataunga. Anybody can tell me what is my question? Well, you have to fill up this. Kya hoga question? Mujhe batao pehle. Ye maine banaya iska matlab kya question comes to your mind? Are ek to bol rahe hain modulus between. Sorry, young modulus. Distinguished one bola tha, he was right. Distinguish between me. Modulus, bulk modulus and modulus of rigidity. ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको छज्जा छोड़ो अपने आप कितने पॉइंट आप ढूंढ ढूंढ के लिख सकते हैं मैं जानना चाहता हूँ हु इज द बेस्ट ये जगह छोड़ो इतना लिखने के बाद वाई के एंड ईटा लिखने के बाद जग्गा छोड़ो उसके बाद एक और क्वेश्चन ये बिताऊं तो मैक्स टू मैक्स सर कितने पॉइंट्स लिखने हैं कितने पॉइंट जितने आए 15 पॉइंट है तो 15 लिखो 20 आए तो 20 लिखो या 2 आए तो 2 लिखो तुम लोग को डिपेंड करता है कितने पॉइंट आते हैं तुमको ढूंढ ढूंढ के सोचो कि ये भी बनाऊं वो भी बनाऊं समझ में आया
ओ Yes, अभी sir. थोड़ा तुम भी दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं कि सर एकदम स्पून फीडिंग करके ये ले बेटा ये ले, अभी मैंने सब सिखाया ये क्या चीज है, इसके अलावा मैं नहीं बोलूंगा, अभी तुम लोग सोचोगे इसको। ओके, एक और जगह छोड़ने के बाद, एक और जगह छोड़ने के बाद चलो अभी बताओ क्या अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन जितने पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 7 पॉइंट 10 पॉइंट मेरे को भी सीखने को मिलेगा, मैं भी बोलूंगा अरे यार ये वाला पॉइंट तो सोचा ही नहीं था मैंने, ये तो अच्छा पॉइंट निकल दिया इसने। लेट मी सी हु इज द बेस्ट, अच्छा मुझे एक बात बता दो तुम लोग को ऐसी टीचिंग पसंद आती है कि मैं सिखाता रहूं तुम लोग सुनते रहो, या यू वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद मी, रॉन्ग आंसर राइट आंसर क्या प्रिफर करोगे तुम, कि तुमको तकलीफ दिए बिना मैं पढ़ाता रहूं? विधि विधि सर इंटरेक्शन यू प्रिफर ना, ओके व्हाट अबाउट माज, माज आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है मार्ज, बातचीत होके पढ़ाना चाहिए या सिर्फ सिंपल सिंपल पढ़ाते जाओ चुपचाप आवाज के बिना क्वेश्चन पूछे बिना? इंटरेक्शन तुम लोग ना बोलते तो भी मैं करने वाला ही था। चलो एनीवे तो ये हो गया, अभी थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग, प्रॉब्लम के टाइम पे मैं फॉर्मूले पूछूंगा, दिमाग लगाने को बोलूंगा, ये भूलना नहीं आप लोग, अभी नए जो बच्चे आए हैं उनको एक कन्वर्जन मैं वापस देता हूँ, कभी लाइफ में भूलना नहीं उनको कन्वर्जन, बाकी लोगों को तो पता ही है ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, लेकिन ओम को पूछूंगा, ओम मिस्त्री ने अभी आवाज खोलना चालू किया है, हाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना मीटर, 1 kg इक्वल टू कितना न्यूटन और 1 ग्राम इक्वल टू कितना डाइन, हाँ अब मुझे ओम 1 सेंटीमीटर का कन्वर्जन इनटू मीटर बता, ओम 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 तो बड़ा मतलब अपने हिसाब से बात करेगा वो, that's very bad, okay Bhargav 1 centimeter is how many meter, Hussein 10^-2 meter that's right, and 1 millimeter kitna meter Hussein, Hussein 1 millimeter is equals to 10^-3 that's lovely answer, remember 1 kg is 9.8 newton aur kabhi kabhi isko 10 newton bhi bol dete hain, and 1 gram is 980 dyne or 1000 dyne, ये भी कभी कभी कर देते हैं हम लोग approximately लाने के लिए calculation easy करने के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक problem solve करते हैं हम लोग, आपके देखो book में कहाँ पे मुझे पता नहीं मेरे page number match नहीं हो रहे, question 43 टेलीफोन वायर दिख रहा है आपको, टेलीफोन वायर जरा देखो बच्चे लोग, टेलीफोन वायर दिखा प्रॉब्लम में अपने नोट्स में, टेलीफोन वायर दिख रहा है, यस सर यस, हाँ तो जरा पढ़ते जाओ बेटा, कौन रीड करेगा उसको, पेज नंबर, पेज नंबर जिसने टेलीफोन वायर बोला कौन सा पेज नंबर है, 213 रीड करो, रीड करो कोई भी, अरे रीड करो एक जन, रीड करो कोई भी, चलो जीतू रीड करो, टेलीफोन So, telephone wire 125 meter long and 1 millimeter in radius is stretched to a length of 125.25 meter when a force of 800 newton is applied. What is the value of Young's modulus for material of wire?
मैं प्रॉब्लम बताऊंगा, देन आई एम गोइंग टू आस्क यू. देखो एक था वायर टेलीफोन का, उन्होंने जो डिस्टर्ब हो रही थी उससे मतलब नहीं है. 125 मीटर लंबा था और उसकी रेडियस 1 मिलीमीटर थी, छोटा 1 मिलीमीटर थी. उसको खींचा गया, 800 न्यूटन फोर्स लगा के धड़ खींचा उसको. उसकी लेंथ बढ़ के हो गई 125.25 मीटर, बड़ा हो गया थोड़ा. वो लोग बोलते हैं यंग्स मॉडुलस कितना होवे गा, कितना होवे गा. इज द प्रॉब्लम क्लियर? मैं पूछना चाहूंगा प्रॉब्लम हुसैन दागिना वाला को. प्रॉब्लम बता, खाली सॉल्यूशन नहीं, खाली प्रॉब्लम बता. सो देयर इज अ टेलीफोन वायर ऑफ 125 मीटर लॉन्ग एंड द रेडियस ऑफ इट्स वेट इसका सिंबल क्या रखूं? सिंबल सर बिग एल. बिग एल, दैट्स वेरी गुड. और ये उसका 1 मिलीमीटर के बारे में क्या बोला हूं सर? रेडियस. रेडियस है छोटा. आगे ये क्या लिखू? ये हु विल टेल मी दिस कि लेंथ इंक्रीज टू 125.25 क्या है ये? सर इट इज अ चेंज इन द डायमेंशन, चेंज इन द लेंथ. बाय गॉड, वेरी बैड आंसर. 1 मीटर लंबा वायर और वो अगर 5 मीटर का हो गया तो चेंज इन लेंथ 5 मीटर. अरे एक बात बताओ यार, तुम्हारे पास 50 रुपए थे, अगर वो बाद में 51 हो गए तो व्हाट इज द चेंज इन रुपीस? चेंज इन रुपीस कितना है? 125.25 मीटर. अरे हाँ वो तो है, लिखा है, लेकिन क्या है इधर? क्या लिखूं लेफ्ट में? 0.25. अरे लेफ्ट में क्या लिखूं सर? स्मॉल एल. स्मॉल एल इतना समझ में नहीं आया तो मैं रुक जाता हूँ. बोलो. ओके मुझे यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, प्रिशा प्रिशा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बोल. प्रिशा अपनी मर्जी से बोलती है. चलो ओम ओम. वाई इक्वल्स टू एफ बिग एल अपॉन ए स्मॉल एल इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू बिग एल अपॉन बाय आर स्क्वायर. वेट एरिया के बदले क्या लिखना चाहिए हमको, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है? व्हाट शुड आई राइट? पाई आर स्क्वायर. दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा. अच्छा अभी रेडियस मिलीमीटर में चलेगा कि नहीं चलेगा? ये देखो ये मीटर में, ये मीटर में, ये न्यूटन में, तो मिलीमीटर चलेगा. नो सर, कन्वर्ट. तो 1 मिलीमीटर इज व्हाट? 10⁻³ मीटर. यहां पे सब्स्टिट्यूट करो. एफ कितना है? 800. लेंथ कितनी है? 125. Pi is pi, let us say 3.14. R square is 10⁻⁶. Because 10⁻³ ka square, 10⁻⁶. And chota hai kitna hai? 0.25. And very simple. Young modulus unit hoti hai kya kuch bhi? Does Young's modulus have any unit? Yes sir, Newton per meter. That's right. Bahut achha answer hai ye. बहुत प्यारा आंसर है बच्चे लोग. ये रहा आंसर, इज सो सिंपल. खाली फॉर्मूला आना चाहिए. फॉर्मूला लिखो, सब्स्टिट्यूशन करो, गेट द आंसर. खलास सर, व्हाट इज दिस एंटी लॉग? अरे एंटी लॉग मेरे को सिखाना बाकी है. लॉग एंटी लॉग वो लॉग बुक आते हैं ना, उससे देखने का, तो कैलकुलेशन कैसे करने का. राइट नाउ यू डोंट वरी अबाउट एंटी लॉग. लॉग एंटी लॉग मुझे सिखाऊंगा एक बार में. अभी धीरे धीरे एडमिशन हो रहे हैं, जैसे अभी आलोक आया, उसके पहले रोशनी निधि आई, फिर ऐसे सब चलता रहता है. तो मैं सिखाऊंगा जब लेक अभी थोड़े एडमिशन और होने की तैयारी है, फिर सब कुछ साथ में, क्योंकि लॉग सिखाना वंस फॉर ऑल. चलेगा बेटा? मार्च. हाँ सर. मार्च. ओके.
ये कॉपी कर लिया प्रॉब्लम? नो सर। आसान आसान प्रॉब्लम एकदम। क्वेश्चन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को होमवर्क लिखो पढ़ो जरा स्टार्ट पढ़ो। वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर मिला क्या? उसी पेज पे होना चाहिए 213। हाँ तो उसके लिए वो प्रॉब्लम लिखना है और जगह छोड़नी है। एवरीबडी हैज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। क्लिक द फोटो एंड सेंड इट टू मी। विधि एंड आलोक कंपल्सरी है। आई थिंक रोशनी ऑल्सो। रोशनी ओ रोशनी यस सर। तुमने गो थ्रू किए लेक्चर्स यूट्यूब के? Yes, सब आता है? सब समझ में आया? Sir, I have a confusion between this. Between? Yes. मेरे को लेक्चर के बाद फोन करो। लेक्चर के बाद फोन करके कंफ्यूजन दूर करो। ऑलराइट? ओके। हाँ ये कॉपी किया सभी ने। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जग्या छोड़ दो। जग्या छोड़ दो। उसके बाद अगला क्वेश्चन वायर और माइल स्टील दिख रहे प्यारे बच्चों? वायर और माइल स्टील दिखा क्या? ओ जीतू वायर और माइल स्टील दिख रहे हैं अगला क्वेश्चन? नहीं सर। Yes, sir. A wire of mild steel having initial length 1.5. Yes, yes, yes. कौन से पेज पे है? Sir, 214. 214. हाँ, 214. Question, मेरे इसमें 45 है. तुम्हारे उसमें कितना है? 45. अरे वाह, lovely. तो चलो read करो. और वायर read करो. Read करो अफीफ. Sir, a wire of mild steel having initial length of 1.5 meter and diameter 0.60 millimeter gets extended by 6.3 millimeter when a certain force is applied to it. If Young's modulus of mild steel is 2.1 into 10 raised to 11 Newton per meter square, calculate the force applied. कितना इजी प्रॉब्लम है। ये डायमीटर दिया है तो व्हाट इज द रेडियस? एनीबॉडी? व्हाट इज द रेडियस? डायमीटर डिवाइड बाय 0.3 मिलीमीटर। 0.3 मिलीमीटर यानी मीटर में क्या लिखूं? 0.3 इनटू 10 रेज टू -3। लवली, वेरी गुड आंसर। 10 रेज टू -4। ना ना, और 3 इनटू 10 रेज टू -4 इज राइट। इसको थोड़ा बहुत इधर उधर पॉइंट से धकेल के ऐसे कर सकते हैं। ये यही है। और छोटा एक का क्या लिखूं? 6.3 मिलीमीटर है। क्या लिखूं इसको मीटर में? कितना लिखूं? इनटू 10 रेज टू सर -3। दैट्स लवली आंसर। यंग्स मॉडल्स का क्या है फॉर्मूला? यंग्स मॉडल्स का फॉर्मूला विधि विधि यंग्स मॉडल का फॉर्मूला तो बोल, कई बार देखा अभी। y equals to f into big L upon a into small l। एरिया के बदले क्या लिखूं? रेडियस दिया हुआ है। व्हाट शुड आई राइट? fl upon pi r square into small l। अपने को चाहिए कौन? कौन चाहिए अपना? हीरो कौन है इस पीछे? ये प्रॉब्लम का हीरो फोर्स। देयरफॉर फोर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लाओ। y into pi r square into chota l upon mota l plus, now start substituting the values 2.1। मैं 10 raise to यहाँ लिख देता हूँ एक बार में, 10 raise to 11।